नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और मैं आज आपको लेके चल रहा हूं बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर जो कि दरभंगा में है। तो चलिए आपको सबसे पहले ले जाएं। अभी मैं जहां खड़ा हूं ये है कुशेश्वर स्थान का जो ब्लॉक है और जस्ट उसके बाएं तरफ आप जो ये पोखर देख रहे हैं यहां आप स्नान करेंगे। जब भी आप दर्शन के लिए यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आप स्नान करेंगे और यहाँ इसी के बगल में जस्ट यहाँ बेलपत्र, फूल माला और बर्तन मिल जाएगा जिसे जल चढ़ाया जाता है, उसका 10 रुपये लगता है। और ये जो नीचे यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, ये छोटा सा दुकान वगैरह है, यहाँ से आप छोटा मोटा सामान ले सकते हैं। और बाकी अब देखिए यहाँ से हम बाएं की तरफ चलेंगे और ये जो पूरा मार्केट है तो अभी वैसे ऑफ है, मतलब सीज़न अभी दूसरा है इसलिए यहाँ भीड़ नहीं है। लेकिन अगर आप सावन के महीने में आएंगे तो यहाँ आप आराम से चल नहीं सकते हैं। यहाँ नेपाल, बंगाल यहाँ से भी लोग आते हैं। और जैसे झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, सेम उसी तरह यहाँ भी है जो कि दरभंगा मिथिला में है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ से जैसे आप अंदर घुसेंगे तो आप मंदिर की तरफ प्रवेश करेंगे। ये जो गेट बना है ये गेट नया है और ये जो पुराना भी आप देख रहे हैं ये पुराना गेट है। और दोनों तरफ यहाँ ये दुकानें हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद जो दाना वगैरह चढ़ता है वो ले सकते हैं पूजा के बाद लौटते समय। ये जो आप केबिन देख रहे हैं यहाँ से अगर आपको डोनेट करने का मन है, कुछ पैसा दान करने का है तो वहाँ दे सकते हैं, या फिर दान पात्र जो होता है, दान का पेटी जो है उसमें दे सकते हैं। और यहीं बगल में दाहिनी तरफ वो कलश रखा हुआ था और बाएं तरफ ये जो कुआं देख रहे हैं यहाँ से आप जल लेंगे और जल भगवान के ऊपर अर्पित करेंगे। ये सामने वाला जो मंदिर है ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और बाकी कई और देवी देवताओं का मंदिर है। अगर आप सावन के समय आएंगे तो यहाँ लगभग 5 से 6 लाख लोग यहाँ जल चढ़ाते हैं, इससे ऊपर ही जहाँ तक चढ़ाते हैं, मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात यह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रथा है ये मुंडन की है। लोग यहाँ जब मन्नत मांगते हैं, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मुंडन के बाद यहाँ मुंडन कराने आते हैं इस मंदिर में। और वही बात हम एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग मवेशी पालते हैं या फिर जैसे गाय भैंस वगैरह पालते हैं वो मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ उस गाय का या उस भैंस का जो घी होता है वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। यह मंदिर का जो मुख्य मंदिर है यहाँ है, ये भोलेनाथ बाबा का मंदिर है। अगर हम अंदर चलते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ अभी क्या है कि पहले ये काफ़ी पुराना था लेकिन बाढ़ के बाद उसके कई बार ऐसा हुआ जब इसमें कुछ फंड वगैरह आया तो उसके बाद यहाँ टाइल वगैरह लगा दिया गया है। तो ये अंदर का जो है ये काफ़ी पुराना है लेकिन अभी ऊपर में देखेंगे आप इसके ऊपर तो का वो भी है, यही है भगवान भोलेनाथ। और यहाँ भी टाइल वगैरह सब कुछ लगा दिया गया है, यहाँ आप आराम से आइए और पूजा कीजिए। अभी के समय में काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं होता है। और वहीं दूसरी बात है यहाँ हर समय एक दीपक जलता रहेगा, वहाँ जाइए आप घी लगाइए, घी चढ़ाइए और आराम से यहाँ भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। पूजा कर दिया है और पूजा अर्चना करने के बाद अब हम बाहर की तरफ चलेंगे। और तो ये भगवान भोलेनाथ का जो